हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि रिका की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वैक्स से आप किस तरीके से आर्मपिट वैक्सिंग कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर आर्मपिट वैक्सिंग से रिलेटेड, शेविंग से रिलेटेड एंड अदर टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे फुल हैंड वैक्सिंग, फुल लेग वैक्सिंग, टमी की वैक्सिंग, इवन थ्रेडिंग भी किस तरीके से वैक्स के द्वारा की जाती है यह भी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखा है। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, आपको वैक्सिंग करना सीखना है, तो मेरे चैनल की वीडियोस देखें। और गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछें कि वैक्स को कैसे यूज़ करना है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो यूज़फुल, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हमने यूज़ किया है प्री वैक्सिंग जेल। प्री वैक्सिंग जेल को आपने बहुत अच्छे तरीके से स्किन में लगा देना है और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। प्री वैक्सिंग जेल लगाने से हमारी स्किन रेडी हो जाती है फॉर द वैक्सिंग। और उसके बाद आपने चेक करना है कि क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर ना हो, यानी कि जब आप प्री वैक्सिंग जेल को लगाकर छोड़ते हैं तो पहले वैक्स की एप्लीकेशन से पहले आपने अच्छे से चेक करना है कि क्लाइंट की स्किन में बिल्कुल मॉइस्चर ना हो। अगर आपको लगता है हल्का फुल्का मॉइस्चर है तो आप अच्छे से टिश्यू पेपर से स्किन को ड्राई कर लें, क्योंकि अगर स्किन में मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर वाली स्किन पर वैक्स की एप्लीकेशन करने पर क्या होता है, हेयर्स बिल्कुल भी वैक्स की पकड़ में नहीं आ पाते, क्योंकि नमी की वजह से वैक्स वहाँ पर मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वैक्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो आप स्किन को अच्छे से ड्राई करें, देन वैक्स की एप्लीकेशन करें। और वैक्स की एप्लीकेशन करनी है हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। अच्छे से हमने स्किन को ड्राई किया है क्योंकि ड्राई स्किन में वैक्स मैंने पहले ही बताया है, मैंने यूज़ की है रिका की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वैक्स। अगर आपके पास यह वैक्स नहीं है तो आप कोई भी वैक्स जो आपके पास अवेलेबल है यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली पार्लर में रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स का यूज़ करते हैं, पर मैंने हर टाइप की वैक्स की वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर रखी है और मैं हर टाइप की वैक्स यूज़ भी करती हूँ। अब हम वैक्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। अच्छे से वैक्स की एप्लीकेशन करें, उसके बाद वैक्सिंग स्ट्रिप लगाई है, अच्छे से रब किया है एंड स्किन को होल्ड करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके हेयर रिमूव हो रहे हैं। और गाइस, मोस्टली ये वैक्स करवाती रहती है तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ इनकी नहीं रही, पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से स्किन की टैनिंग भी रिमूव हो गई है। रिका वैक्स के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। रिका वैक्स को यूज़ करने से आपकी स्किन के अनवांटेड हेयर तो रिमूव होते हैं, स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है, हेयर जो ग्रोथ होती है काफ़ी लेट आती है और जो हेयर आते हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूद आते हैं। तो इस वैक्स के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, इसलिए लोग रिका वैक्स करवाते हैं। अगर आपके पास अच्छा बजट है, आपको लगता है कि आपकी स्किन पर ज़्यादा टैनिंग है, तो ऐसे में आप रिका वैक्स की साइड जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर टैनिंग नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिंपल वैक्स भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिका वैक्स ही बेस्ट है, सभी वैक्स बेस्ट होती हैं, बस आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। पर रिका वैक्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि इस वैक्स को आप बार बार स्किन पर रीएप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वन टाइम में तो ये वैक्स हेयर रिमूव करती है। अगर आप इसकी बार बार स्किन में सारे में रीएप्लीकेशन करेंगे तो ऐसे में क्लाइंट की स्किन पील हो सकती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप रिका वैक्स का यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके हेयर रिमूव हो गए हैं और थोड़े बहुत जो हेयर्स रह जाते हैं तो आपने जब वैक्स लगानी है तो केवल वहीं पर लगानी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है सारे में नहीं लगानी, रिका वैक्स यूज़ हो रही है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान दें, वही वैक्स की एप्लीकेशन करें जहाँ पर थोड़े बहुत हेयर रह गए हैं। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाई है एंड फिर से पुल कर दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से इनके हेयर रिमूव हो गए थे। और उसके बाद हमने लास्ट में यूज़ किया था कोकोनट ऑयल का। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी वैक्सिंग कर ली जाएगी और रियल साउंड में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दूसरी साइड की वैक्सिंग का प्रोसीजर। तो गाइस, वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो जाएगी क्योंकि अंडर आर्म्स में तो दूसरी वैक्स होती है ना, वो ये वाली कर दूंगी। पर ये वाली वैक्स का डब्बा 1000 रुपये का, अगर पार्लर में इसकी हैंड वैक्सिंग करते तो 500 रुपये की होती है। कितनी महंगी थोड़ी करवाओगे आप? ए तो बार बार मोड़ के क्या दिखावा है? हाँ दो सो गया। जय माता दी और जय अनु पिता तनु।
सॉरी एक बार गर्मी ज्यादा हो जाती है आ रहा है तुझे सब कुछ नहीं लगता सारी सड़क की वीडियो बन लें ढंग से डायरेक्शन एक ही थी इसलिए निकाले हैं। फिर निकालने हैं मुझे हरी हरी हो रही है हरी राम ऐसे कोकोनट तो दिखा दो ले इस फोटो